हाय फ्रेंड्स, तो आज हमारा पांचवा दिन है 30 डेज ऑफ मंडाला चैलेंज का। और आज के वीडियो में हम लोग सेमी सर्कल मंडाला यानी कि एक फुल मंडाला का हाफ पोर्शन ही बनाने वाले हैं। तो अभी तक हम जो भी मंडालास बना रहे थे वो हम बीच में से शुरू कर रहे थे और फुल सर्कुलर बना रहे थे, बट आज हम साइड के पोर्शन से शुरू करेंगे और एक हाफ मंडला बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक ग्रे टोन्ड पेपर का यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास ये स्केचबुक थी जिसमें अलग अलग टोन्ड पेपर है, तो आप कोई भी टाइप का पेपर यूज़ कर सकते हैं, वाइट A4 साइज पेपर, कार्ट्रिज पेपर, कोई भी ड्राइंग पेपर, किसी भी टाइप का प्लेन पेपर आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरीके का स्केचबुक यूज़ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बस एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है ताकि मेरा जो पेपर है वो दो वर्टिकल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो ये जो मंडाला होगा ये वर्टिकली होगा, ना कि हॉरिजॉन्टली। तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के बाद मैं यहाँ पे अपना कंपास प्रिपेयर कर रही हूँ। तो ये मेरा टेक्निकल कंपास है, इसमें आप के बहुत सारे एक्सटेंशंस आते हैं, आप पेंसिल की जगह डायरेक्टली पेन से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हम मंडाला के ग्रिड में यूज़ करते हैं, यानी कि कंपास के थ्रू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाने वाला। तो यहाँ पे मैं ये टेक्निकल कंपास यूज़ कर रही हूँ जिसमें हमारे बहुत सारे एक्सटेंशंस अवेलेबल होते हैं। अगर आपको उस कंपास के बारे में और जानना है तो आप मेरा ये वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो यहाँ पे वही हम प्रोट्रैक्टर की मदद से 10 डिग्रीज पे पॉइंट मार्क करेंगे और फिर उसके बाद लाइंस के थ्रू हम इसे ज्वाइन कर देंगे। तो अगर आपको ये प्रोसेस, मंडाला ग्रिड मेकिंग का प्रोसेस डिटेल में जानना है तो आप मेरा मंडाला ग्रिड पे एक अलग से मैंने वीडियो बनाया है, वो देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो जैसे ही हमारा पूरा ग्रिड बन जाएगा हम यहाँ पे एक ब्लैक पेन की मदद से बेसिक शेप्स बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं यूनिबॉल का ब्लैक फाइन लाइनर यूज़ कर रही हूँ 0.3 mm का। आप यहाँ पे कोई भी तरीके का ब्लैक बॉल या जेल पेन यूज़ कर सकते हैं, बस यहाँ पे कोई भी बहुत ही मोटी टिप वाला स्केच पेन या मार्कर ना यूज़ करें, क्योंकि उससे क्या होता है बॉर्डर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है और वो मंडला बहुत ही ज़्यादा केओटिक और अनटाइडी सा लगता है। तो किसी भी तरीके का ब्लैक पेन जो भी है आपके पास आपको यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने जो भी सप्लाईज यूज़ करे हैं उन सबके डायरेक्ट अमेजोन लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, इस स्केचबुक को छोड़ के, क्योंकि ये स्केचबुक मैंने एक इंस्टाग्राम स्मॉल बिजनेस से खरीदी थी, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप प्लीज़ चेकआउट करें। बट बाकी के जो सारे सप्लाईज हैं वो ईजिली अवेलेबल है अमेजोन पे, और जिन लिंक्स से मैंने परचेज किया था वही जेन्युइन लिंक्स, सही प्राइस वाले मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, तो आप डायरेक्टली उन लिंक से जाके परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक शेप्स हमारे बन गए हैं। अगर आप बेसिक शेप्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। जब आपके बेसिक शेप्स बन जाएंगे तो बहुत ही केयरफुली सारी पेंसिल लाइन्स को एक इरेजर की मदद से इरेज कर दें। जैसे ही आपके बेसिक शेप्स एकदम रेडी हो जाएं, अब हम उन बेसिक शेप्स में इंट्रिकेट पैटर्न्स भरेंगे। तो आप अपनी चॉइस से कोई भी इंट्रिकेट पैटर्न्स बना सकते हैं या फिर आप पूरे मंडाला में सेम पैटर्न भी बना सकते हैं। यहाँ पे पैटर्न आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको ज़्यादा अच्छा लगे। अगर आपको सिंपल पैटर्न्स ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं तो आप सिंपल चूज़ करें, अगर आपको ज़्यादा इंट्रिकेट पैटर्न्स ड्रॉ करने हैं तो फील फ्री टू यूज़ इंट्रिकेट पैटर्न्स। और अपने पैटर्न्स भी आप बिल्कुल बना सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को ना रोकें, अपनी क्रिएटिविटी को आगे आने दें और उसके हिसाब से आप नए मंडला पैटर्न्स भी बना सकते हैं। और अगर आपको अलग अलग मंडला पैटर्न्स के बारे में और जानना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, इस वीडियो में मैंने 50 यानी कि 50 बहुत ही इजी, बहुत ही सुंदर मंडला पैटर्न्स बनाए हैं, सिंपल से लेके इंट्रिकेट, लेयर्ड और मंडाला बॉर्डर्स। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, इसमें से आप कोई भी मंडाला पैटर्न चूज़ करके ड्रॉ कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, या फिर आप सेम टू सेम ये वाले पैटर्न्स जो मैं इस वीडियो में बना रही हूँ वो भी बना सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं एक बैलेंस मेंटेन करते हुए अलग अलग मंडला पैटर्न्स चूज कर रही हूँ और फिर लेयर बाय लेयर उन्हें फिल कर रही हूँ और कंप्लीट कर रही हूँ। ये प्रोसेस बहुत ही मेडिटेटिव, बहुत ही सूदिंग होता है और मंडला आर्ट आपकी क्रिएटिविटी को और आपके फोकस और कॉन्सेंट्रेशन पावर को भी बढ़ाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि ये मंडाला बहुत ही सुंदर बन के आ रहा है। और अगर आप चाहें तो अपने सप्लाईज भी ले लीजिए, अपना पेपर और पेन ले लीजिए और वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके या फिर थोड़ी सी स्लो स्पीड में प्ले करके आप मेरे साथ इस मंडला को बनाइए। तो वीडियो को अंत तक देखिए एंड आई एम श्योर कि आपको ये प्रोसेस, ये मंडला बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको मंडला आर्ट पसंद आया और आप ज़्यादा डिटेल में इसको सीखना चाहते हैं, यानी कि मंडला का जो हिस्ट्री है, उसका जो मीनिंग है, उसका सिग्निफिकेंस है और अलग अलग टाइप के पैटर्न्स बनाना सीखना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन मंडला क्लासेस के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, ग्रुप वर्कशॉप्स या फिर आप प्राइवेट सेशन भी बुक कर सकते हैं। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। आप चाहे तो मेरी वेबसाइट से डायरेक्ट बुक कर सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे DM करके या फिर WhatsApp या ईमेल के ज़रिए भी मुझे बता सकते हैं, हम आपका मंडला का वर्कशॉप जो है बुक कर देंगे। तो इस मंडला वर्कशॉप में हम बहुत कुछ सीखते हैं, हम पूरा आपके टाइम के हिसाब से हम पूरा स्केड्यूल बनाते हैं कि कौन से दिन और कौन से टाइम पे आप अवेलेबल हैं 1-on-1 मंडाला वर्कशॉप्स में। और फिर जो भी सप्लाईज, जो भी किट्स और वर्कबुक्स ज़रूरी होती हैं वो भी हम आपको भिजवा देते हैं आपके घर में।
तो आपको बस जो जूम लिंक या फिर जो गूगल मीट का लिंक होता है वो ज्वाइन करना होता है, और फिर हम मंडला आर्ट का जो वर्कशॉप है वो कंडक्ट कर देते हैं। तो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो मंडला की ई बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर किट्स वगैरह भी परचेज कर सकते हैं और खुद सीख सकते हैं मेरी इन वीडियोज़ के साथ। सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर टू चेक दोज लिंक्स आउट एज वेल। अगर आप इस मंडाला डिज़ाइन या फिर किसी भी मंडाला डिज़ाइन को बनाते हैं मेरी वीडियोस देख के, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो अपने डिज़ाइंस का फ़ोटो खींच के मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम ज़रूर करें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करें। मैं वहाँ भी रोज़ बहुत ही बढ़िया कंटेंट डालती हूँ, रीडेबल कंटेंट और रील्स वगैरह बहुत अच्छी अच्छी मैं डालती हूँ। और अगर आप कोई भी डिज़ाइन बनाएं या फिर आपको कोई भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में तो आप डेफिनेटली बता सकते हैं। अगर आपको पर्सनली कोई डाउट वगैरह पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मुझे डीएम करके बता सकते हैं, या फिर डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे अपनी प्रैक्टिस शीट्स भेज सकते हैं। तो मुझे बहुत ही खुशी होगी ये देख के कि आपने मेरे मंडला वीडियोज से कुछ बनाया है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने डिज़ाइंस मुझ तक ज़रूर पहुँचाएं डीएम वगैरह के थ्रू।
तो यहाँ पे जैसे ही मेरा ब्लैक मंडला पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मैं एक वाइट जेल पेन लूंगी और फिर जो ये हमारे ब्लैंक स्पेसेस है वहाँ पे बस वाइट डॉट इस तरीके से मैं क्रिएट कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल स्टेप है, बट ब्लैक और वाइट बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके के ग्रे और टोन्ड पेपर पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।